तो छत्तीसगढ़ में श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग भर्ती परीक्षा 2023, जी हाँ 34 पोस्ट है, 2.5 लाख कैंडिडेट्स किसका सिलेक्शन जो है इसमें हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 34 पोस्ट के लिए जो है 2.5 लाख, 2.5 लाख स्टूडेंट के बीच में जो है आपका कॉम्पिटिशन्स है। लेबर इंस्पेक्टर श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा का, जिसमें आपका श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, श्रम पदाधिकारी, लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मॉडल आंसर जो है जारी कर दिया गया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है 34 पोस्ट जो है आप लोगों के लिए, लेबर इंस्पेक्टर के 34 पोस्ट के लिए जो है 2.5 लाख स्टूडेंट के बीच में जो है कॉम्पिटिशन्स हैं। तो आखिरकार किस स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है हो पाएगा, कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर आपका सिलेक्शन जो है नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ व्यापा में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती है आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए। देखिए मॉडल आंसर आ चुका है, अब कुछ ही दिनों में जो है छत्तीसगढ़ में आपके लेबर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट भी जो है देखने को मिल पाएगा। तो रिज़ल्ट भी आप लोगों के लिए जल्द ही आने वाला है, रिज़ल्ट भी जल्द ही प्रकाशित होने वाला है आपके CG व्यापम के द्वारा। तो जो भी स्टूडेंट जो जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, जो 100% हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो 100% तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके तैयारी के अकॉर्डिंग आपको जो है सफलता जो है रिज़ल्ट मिल पाएगा। क्योंकि ऐसे ही स्टूडेंट को रिज़ल्ट थोड़ी ना मिलेगा जो मेहनत नहीं करेंगे, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं को कामयाबी जो है मिल पाएगा, 2.5 लाख स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं ना, 100% हार्ड वर्क करते हैं, जो सक्सेस हासिल करते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं, वो उनमें क्या खास रहते हैं पता है? वो अपने आप को किसी से जज नहीं करता, वो खुद को अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता। आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे, आप ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो खुद को अपने आप को किसी दूसरों से जज करते हो, खुद को किसी दूसरों से कंपेयर करते हो कि यार हम मेरे से बेहतर तो ये है, और मुझे उतने जो है सब्जेक्ट के बारे में, उतने जो है बाकी टॉपिक्स के बारे में जो है नॉलेज नहीं है, मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक तो इसको नॉलेज है, आपको ये लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप डेडिकेशन के साथ जो है मेहनत कर रहे हैं, फुल एफर्ट लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि आज भले ही आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपसे आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो पाएगा। तो बिल्कुल भी अपने जहन से, दिमाग से निकाल दो इस बात को, इस चीज़ को कि 2.5 लाख स्टूडेंट हैं, 34 पोस्ट हैं, तो इस 34 पोस्ट में और 2.5 लाख स्टूडेंट के बीच में कैंडिडेट्स, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। देखिए कोई कितना भी ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हो, कोई देर रात पढ़ाई कर रहा हो, कोई 12-12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, या कोई 5 घंटे भी पढ़ाई कर रहा हो, चाहे आपके दोस्त हो, रूममेट वाले हो, कोई भी हो, इससे आपका ज़रा से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपना पढ़ाई देखना है ना, आपको सिर्फ अपना शेड्यूल देखना है कि किस टाइम मुझे क्या करना है, किस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए। ये चीज़ें खुद के ऊपर वो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, खुद के लिए वो काम कीजिए, ये नहीं कि दूसरा का देखा देखी कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा। देखा देखी जो है बिल्कुल भी मत करो, किसी का कॉपी मत करो। आप ऐसा करो कि खुद आपका कोई और कॉपी करे, तो किसी दूसरे का कॉपी बिल्कुल मत करो। आप जितने टाइम पढ़ाई करते हो उतने टाइम ही पढ़ाई करो। ऐसा कोई कहीं पर कुछ रूल बुक में लिखा है क्या कि जो भी स्टूडेंट जो सिर्फ रात को सुबह, अगर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता है, क्या वही स्टूडेंट ज़िंदगी में कामयाब हो पाएगा? क्या बताइए, जो 12-12 घंटे पढ़ाई करता है क्या वही स्टूडेंट कामयाब हो पाएगा? लेकिन जो दिन में पढ़ाई कर रहा है, जो 9 बजे भी उठ रहा है, क्या वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है? क्या उसे सक्सेस हासिल करने की परमिशन नहीं है? क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता? वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकता है, अपने सभी ख्वाबों को, अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। बस उसके लिए आपको काम करते रहना, उसके लिए प्रिपरेशंस करते रहना, और जितना ज़्यादा आप हायर स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिल पाएगा। आपका अगर स्ट्रगल बड़ा होगा ना, संघर्ष बड़ा होगा, तो कामयाबी भी बड़ी होगी और कामयाबी भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए हमें ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रगल से, इन सभी परेशानी से, इन सभी चुनौतियों से बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा नाम खुद एक स्ट्रगल है। अगर आप स्ट्रगल से घबरा जाओगे,
स्ट्रगल से परेशान हो गए तो फिर आगे जो है कहाँ से बढ़ पाओगे, आगे आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ से सर्वाइव कर पाओगे, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए स्ट्रगल से बिल्कुल भी मत घबराओ, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हो आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि बड़े सफलता के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए जो है मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है और उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप कोई भी सपने देख रहे हो, कोई भी ड्रीम्स देख रहे हो, बस उन सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ी सी अगर आप कदम भी बढ़ा रहे हो, फिर भी बहुत बड़ी बात है। यही जो चीज़ें हैं जो आपको आगे सक्सेस दिलाएगा, यही जो चीज़ें जो आपको आने वाले टाइम में कामयाबी दिलाएगा, बस उस कामयाबी को पाने के लिए आपको इंतज़ार करना है, उसके लिए एफर्ट लगाना है। और जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सक्सेस और उतने ही ज़्यादा कामयाबी और उतनी ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिल पाएगा। मैं तो यही चीज़ और एक ही चीज़ पर विश्वास करता हूँ, आपको भी एक ही चीज़ पर भरोसा करना चाहिए कि एक ही बार हमें कामयाब होना है, एक ही बार हमें सक्सेस हासिल करना है, बार बार नहीं, सिर्फ एक ही बार कामयाबी मिल जाएगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तो इस एक बार की कामयाबी के लिए, इस एक बार की सफलता के लिए आपको हर एक रोज़ जो है तैयारी करना है, आपको हर एक रोज़ जो है मेहनत करना है। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा कामयाबी और उतने ही ज़्यादा सक्सेस और उतने ही ज़्यादा प्रसिद्धियाँ आपको फिर मिल पाएगा। इसलिए मेहनत और अपने आप पर जो है काम करना, जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के लिए मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। सो छत्तीसगढ़ में जो है 34 पोस्टर, 2.5 लाख स्टूडेंट्स, श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा मॉडल आंसर आ चुका है। कुछ ही दिनों में इसके लिए जो है रिज़ल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, 150 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए थे। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कट ऑफ 120 से 125, एससी और ओबीसी की बात करें, ओबीसी का तो 115 से 120 में, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो आपका जो है 110 से जो है 115, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की बात करें तो 105 से जो 110 नंबर, इतने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो है मिलते रहेंगे। बस अपना काम करो, तैयारी करो, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा तरक्की और उतने ही ज़्यादा सक्सेस और उतने ही ज़्यादा कामयाबी आपको मिल पाएगा। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट डिज़र्व करते हो कामयाबी के लिए, बस उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो, कामयाबी ज़रूर मिलेगा, बस सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो।